साथियों, आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है। आज पूरा ओडिशा ये आत्ममंथन कर रहा है कि इन वर्षों में उड़ीसा के लोगों को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान है, आज भी नौजवान छोटे छोटे काम के लिए दूसरे राज्यों में जाता है। हद तो ये है कि आदिवासी क्षेत्र जहां जल जंगल जमीन है, खनिज संपदा है, वहां सबसे ज्यादा बेहाली है। माता जी, आप वो तस्वीर नीचे रखिए, आपके हाथ थक जाएंगे और पीछे लोगों को दिखता नहीं है। आप सब नीचे रख दीजिए, अपना नीचे रखिए। और इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा पलायन होता है। क्यों भाई? इतने समृद्ध उड़ीसा की जनता इतनी गरीबी में जीने के लिए मजबूर क्यों है? जरा भाई एसपीसी के लोग इन सबसे ले लीजिए, वरना उनको भी चैन नहीं होगा और मुझे भी चैन नहीं होने देंगे। ये जो काले शर्ट वाली बच्ची है ना, वो कब से किताब लेके खड़ी है, जरा ले लीजिए उससे। बेटा आगे आ जाइए, यहां आना संभव नहीं है। बेटा यहां आना संभव नहीं है, वो सिक्योरिटी वाले तुम्हें बहुत परेशान कर देंगे। अब संतोष हो गया सबको? अब मैं अपनी बात करूं आगे। आप इतना प्यार बरसाते हैं कि मेरी बोलती बंद हो जाती है। साथियों, मैं गुजरात से आया हूं, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं, लेकिन मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला? एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है? इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जों से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं।